क्या वो अपनी पार्टी के, वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जितना चाहे उतना चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अमेठी का जो मीडिया के द्वारा फील आया उसके बाद उनने वायनाड का चयन किया, इसका मतलब उनने अमेठी में अपनी हार स्वीकार कर ली। कुछ नहीं, क्यों डालेंगी? जिसका पति चोरी के आरोप में हो वो, उसको तो लोग किस नजर से, चोर की पत्नी को किस नजर से देखा जाता है? हिंदुस्तान उसी नजर से देखेगा उनको। आपसे कहना है आपका एक एक वोट इस हिंदुस्तान के उस गरीब को रोजी दिलवा सकता है, हिंदुस्तान के गरीब को खाने को दिलवा सकता है, उस भूखे मरते इंसान को खाना दिलवा सकता है। इस वोट की कीमत करिएगा, क्योंकि ये लोग आएंगे दिल्ली से पैसा बहन करके लाएंगे और पैसे देने का काम करेंगे। मैं तो आपसे कहता हूँ सीधी बात है कि पैसा लेना बुरी बात है, अगर परिधि फिर भी किसी का मन नहीं माने और ये जबरदस्ती दे तो ले लेना, क्योंकि ये आप अंगूठा लेके पैसे। पर वोट किसको देना? कांग्रेस पार्टी को देना। ये आएंगे लोगों को दारू पिलाने का काम करेंगे। अरे भैया ये पीना पिलाना खराब बात है, पर इसके बाद भी किसी का मन नहीं माने तो भले ही पी लेना, पर वोट किसको देना? कांग्रेस पार्टी को वोट देना। आज जिस तरह से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है, उनकी हताशा निराशा दिखाई दे रही है और उन्हें लग रहा है कि उनकी जमानत जब्त होने जा रही है, और जो अपनी हताशा निराशा बौखलाहट में जो बोल रहे हैं, कभी दो कौड़ी का फटीचर बोलते हैं, कभी कहते हैं कि मुझे 3 लाख वोटों से ज़्यादा वोटों से मत जिताओ, कभी कुछ बोलते हैं, कभी श्रद्धांजलि सभा की बात करते हैं, तो ये उनकी हताशा निराशा उन्हें जो है साफ झलक रही है। और इस बार का चुनाव उन्हें लग रहा है कि चुनाव क्या होता है, जो 1 महीने की छुट्टी लेकर आए हैं पीलीभीत में, यहाँ जनता 1 महीने की छुट्टी वाले के लिए नहीं बल्कि परमानेंट 365 और 12 महीने जो जनता के बीच में रहे उसके साथ में जनता खड़ी है। और इस बार के चुनाव में वो जो बोल रहे हैं 3 लाख वाली बात, तो जनता उससे भी कहीं ज़्यादा और धमाकेदार तरीके से उनकी विदाई करने जा रही है। और उन्हें जब एहसास हो जाएगा, उनकी जो जुबान चल रही है, कभी फटीचर बोल रहे हैं, कभी श्रद्धांजलि सभा बोल रहे हैं, जो इस पीलीभीत के लोगों ने, उनका यहाँ पर वोट नहीं, उनका यहाँ घर नहीं, उनका यहाँ पर कोई नहीं, कुछ दलालों के माध्यम से वो चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं, तो उनकी जो जुबान चल रही है इस बार, पहले भी चली है लेकिन इस बार जनता अपने वोटों की ताकत से उनकी जुबान सिल देगी और 23 मई को जब रिजल्ट आएगा तो उन्हें पता लग जाएगा, उन्हें इलाज के लिए फिर विदेश जाना पड़ेगा, यहाँ इलाज भी उनका नहीं हो पाएगा क्योंकि मम्मी ने यहाँ पीलीभीत में इलाज के लिए कुछ किया भी नहीं है, तो उन्हें विदेश जाना पड़ेगा इलाज कराने के लिए। वो अपने सेहत के लिए देखें, हम एक किसान के बेटे हैं और हल चलाना भी जानते हैं, ट्रैक्टर चलाना भी जानते हैं, खेती बाड़ी भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, वो अपनी सोचे कि उन्हें क्या करना है।